उसकी वजह से जो जिस्म को तकलीफ है उसकी कोई बात नहीं करता। साइड इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स, साइड इफेक्ट्स ऑफ ऑपरेशंस भुगतना पड़ेंगे अगर इलाज करना है तो। अगर आपको इलाज करना है और जल्दी रिपेयर भी चाहिए तो आपको अपनी बॉडी पे काम करना होगा। और आज दुनिया भर के साइंसदान इस बात पे मुत्तफिक हैं कि हमें एक जो कहते हैं ना मल्टी लेवल पर जाके काम करना होगा, एक होलिस्टिक एटीट्यूड रखना पड़ेगा, चाहे वो दिमाग हो, चाहे वो दिल हो या हमारी रूह ही क्यों ना हो, हमें एक मल्टी लेवल पे जाके अपने आप को सही रखना पड़ेगा। सिर्फ दवा ही नहीं हमें ठीक कर सकती। अगर मैं आपके सामने बिरयानी की एक प्लेट रख दूं और आपको भूख ही नहीं है तो आपका हाथ नहीं उठेगा वहां तक जाने के लिए। अगर आप दुखी हैं किसी भी वजह से, सब चीजें अल्लाह ने आपको दे दी, पैसा, शोहरत, इज्जत, दौलत, आपको किसी चीज से मजा नहीं आएगा। सही कह रही हूँ? आज बड़े लोगों का मसला यही है कि वो दवा खा के सोते हैं। गरीब लोग ये सोचते हैं कि शायद अमीर लोग बहुत खुश हैं, और अमीर लोग ये सोचते हैं कि गरीब ज्यादा खुश हैं क्योंकि उन्हें कोई टैक्स नहीं देना पड़ता, वो सड़क पे फुटपाथ पे एक रोटी खा के सो जाते हैं। उनके मसाइल अपनी जगह, उनके मसाइल अपनी जगह, लेकिन जिसका जिस्म, जिसका रूह सेहतमंद है वो ही सबसे अमीर है। और दूसरा अमीर आदमी वो है जिसके पास एक अच्छा दोस्त है। एक अच्छा दोस्त मैं समझती हूँ कायनात में अगर आपके पास है जो आपको गलती पे डांट सके और सही बात पे आपको खड़ा कर सके, बस जिंदगी बहुत अच्छी गुजर जाती है। वो कोई भी हो सकता है, आपकी बहन, आपका भाई, आपकी माँ, आपके बाप, आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ, आपके नेबर्स, और फिर रीसेंट फैमिली। ये एक वो फैमिली है कि जो जब आपको कोई कंधा नहीं देता ना रोने के लिए तो रिएक्शन के लोग आपको कंधा देते हैं। राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर द रिएक्शन लव, रिएक्शन केयर। और इस केयर फेज में आज आपके सामने खड़ी हूँ क्योंकि जब आपके पास पैसा नहीं होता ना तो रिश्तेदार भी नहीं होते। क्या औलाद, क्या माँ बाप। अगर आपके पास इज्जत नहीं होती, कितना ही पैसा हो और अगर इज्जत नहीं है तो वो पैसा बेकार है, और कितनी ही इज्जत हो और आपके पास पैसा नहीं हो तो वो भी बेकार है। तो ये सब चीजें जो है ना एक कैस्केड ऑफ पजल्स है जिसके लिए हमें लड़ना पड़ता है। और इससे लड़ने की ताकत आपको गिजाएं, माहौल और आपके दोस्त देते हैं। ठीक है? So, having said that, let's come back to what we are learning. अब रिएक्शन क्या है? रिएक्शन एक ट्रस्ट पर दी, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से लोग अपनी ग्रूमिंग करते हैं, अपने बारे में जानकारी लेते हैं, अपने आप को सेहत से के बारे में मुतारिफ कराते हैं, अपनी कमियों को जांचते हैं और फिर उनको पूरा करने की कोशिश करते हैं। फिर आती बात डॉक्टर की। हमारे यहाँ कभी कभी ये उल्टा सर्कल चल रहा है, हम डॉक्टर के पास पहले जाते हैं, जब डॉक्टर कुछ चीज को मना कर देता है फिर आप रिएक्शन में आते हैं। है कि नहीं? 99% आपके पास जो लोग आएंगे वो बीमार होंगे, आपको उन पे पता ना है सब कुछ सही है लेकिन उनको बीमारी से बचाना है। जब बीमार हो गए तब तो आप डॉक्टर से पीछा नहीं छुड़ा सकते, वो तो आप परमानेंटली उनको इलाज तो चाहिए चाहिए, लेकिन रिपेयर होने में और अक्यूट इमरजेंसी के ट्रीटमेंट में फर्क है, ये आपको सोचना चाहिए। ठीक है, ये हम बात बात करेंगे। तो रिएक्शन में डॉक्टर लेन, राउंड ऑफ अप्लॉज टू आवर डॉक्टर लेन, आवर मेंटर। और आज हमारी 29th एनिवर्सरी है, जो अपने रिएक्शन के लिए आप ताली दीजिए भाई। 3 साल के हो गए मलेशिया में, तो ये एक ऐसा वक्त गुजरा है कि जब जीरो लेवल से लोगों को शनाख्त करा के और आज 119 मुल्कों में लोग आपको जानते हैं और इस्तेमाल करते हैं प्रोडक्ट्स को। क्यों? वक्त से बड़ा उस्ताद कोई नहीं है, वक्त से बड़ा मरहम कोई नहीं है, और वक्त से बड़ा जालिम कोई नहीं है। जब अच्छा वक्त नहीं रहता तो बुरा वक्त भी नहीं रहता। तो वक्त एक ऐसी चौमुखी लड़ाई है कि जो इसकी चक्की में पिस के निकल गया ना तो वो हीरा बन ही जाता है, लेकिन जिसने जान दे दी तो फिर वो हार जाता है। इस वक्त को पहिया बनाते हुए डॉक्टर लिम ने जिंदगी के पहिए को रवा रखने के लिए जो तेल और जो उसकी साख्त चाहिए थी उनको उन्होंने उन गजाओं में ढूंढा जिनकी मिलती जुलती असरात थे। मसलन कुव्वत मुदाफ़ियत, रेजिस्टेंस को बढ़ाना। आप जितने लोग भी कितना भी पढ़ लिख जाएं आप नहीं याद रख सकते हर प्रोडक्ट की डिटेल्स। तो सिर्फ 4-5 चीजें ये समझ लीजिए
कि डीएक्सएम के प्लेटफॉर्म पे जो भी प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगी अब तो वो फिजाएं होंगी, नो डाउट अबाउट इट, नो सेकंड ओपिनियन अबाउट इट। ठीक है, उसके लिए कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं चाहिए आपको, कोई डॉक्टर मगर स्टैम्प नहीं चाहिए। ठीक है, डॉक्टर खालिद को डॉक्टर खालिद नहीं बनना है, सिर्फ डॉक्टर खालिद खालिद साहब रहे तो ज्यादा अच्छा है। क्यों खालिद भाई? यस। तो एक तो प्रिस्क्रिप्शन नहीं चाहिए, कोई डिग्री नहीं चाहिए। जिस तरह दूध दही की दुकान पर जाके आप प्रिस्क्रिप्शन नहीं दिखाते वो हंसेगा दूध वाला, अगर आप उसे कहेंगे कि एक लीटर दूध दे दो ये डॉक्टर ने लिख के दिया, वो कहेंगे जी डॉक्टर मैं को एक लीटर दूध लिखने की जरूरत है, मैं आपको वैसे ही दे देता, मुझे भी पता है दूध का क्या फायदा है। या मुर्गी को रिक्वेस्ट करें कि दो अंडे आज एक्स्ट्रा दे देना, डॉक्टर मन के अंडे खाने मिले, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो जो चीज़ें कुदरती हैं, पहली बात वो गजा है, दूसरी बात कुदरती है, तीसरी बात कोई मेडिकल ड्रग नहीं है कि जिसके लिए आपको प्रिस्क्रिप्शन या डोजेज का सहारा लेना हो कि भाई बच्चे को मैंने आधा चमचा देना है तो बड़े को मैं चार चमचे दूंगा, और बच्चे की कोई गजा मैंने बड़े को दे दी तो उसको कुछ हो जाएगा, या बड़े की गजा बच्चे को दे दी तो उसको कुछ हो जाएगा। चूंकि दवाओं में होता है, बच्चे को आप बड़े की डोज दे दोगे तो मर जाएगा वो, और बड़े को अगर बच्चे की दवा दे दो कोई फायदा नहीं होगा उसको। तो इस तरह से एक तरफ से आप ये नजरिया ठीक करें। और चौथी बात ये थी कि ये वो तमाम प्रोडक्ट्स थे, ये मैं आपको बहुत पते की बात बता रही हूँ, आप इस बात पे लड़ सकते हैं दुनिया से, कि ये वो सारे प्रोडक्ट्स थे जिनको कुदरती तौर पर उनकी खुसूसियात की वजह से सारी दुनिया ने पहले से माना हुआ था, चाहे वो ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन हो चाहे वो आयुर्वेदिक हो, उनको पहले से बतौर जड़ी बूटी के इस्तेमाल किया जा रहा था, बाद में साइंस ने उसको साबित किया। यानी आप हल्दी पहले खा रहे थे, बाद में 25 साल बाद आपको चार आर्टिकल मिल गए तो आपने कह रहे भाई हल्दी से तो सूजन कम हो जाती है, दूध में डाल के पी लो। पहले नहीं खा रहे थे कि आप दो चमचे हल्दी में स्ट्यू में डाल के खिला रही थी आपको, या गर्म दूध में हल्दी मिला के आप चोट खा के आते थे स्पोर्ट्स में तो रात को दूध हल्दी मिलता था कि नहीं मिलता था? कोई पैर और खाने की इजाजत नहीं थी, हमने सालों पिया ये। ठीक है, तो उस वक्त तो हमें कोई साइंटिफिक डेटा नहीं पता था। तो पांचवी बात ये हो गई कि वो चीजें हैं जो आपके जिस्म के वेयर एंड टेयर को सही करती हैं। वेयर एंड टेयर मतलब जो दुनिया में सेल आया है, चाहे वो इंसान की शक्ल में हो या नबातात की शक्ल में हो, उसकी एक उम्र है, उस उम्र में उसको मरना भी है, रिप्रोड्यूस भी करना है, और बैरूनी अवामिल से लड़ना भी है। तो गजा वो जो इन चारों फील्ड में आपका साथ दे सके वही सही गजा है, और डीएक्सएम की सारी गजाएं इस फॉर्मूले पे पूरी हो सकती है। समझ आई बात? तो अब कोई क्वेश्चन नहीं उठ सकता कि हम ये क्यों नहीं खाएं और ये क्यों खाएं। ये इसलिए खाएं कि हमें अपने हमारी इंश्योरेंस पॉलिसी है, और इसलिए नहीं खाएं कि जेब में पैसे नहीं है तो उसके लिए हमारे पास हमारा नेटवर्किंग सिस्टम है, लर्न एंड लर्न, और जब खाना शुरू करेंगे अर्निंग शुरू हो जाएगी खुद ही आपकी। तो इतना खूबसूरत ये नेट है कि आपको ये बहाना नहीं मिलता कि किस तरह आप ना खाएं प्रोडक्ट्स को। When you want to, you have to. When you have to, you will get acquainted. When you get acquainted, you get addicted. When you get addicted, you enjoy. लोग नशे के आदि होके एंजॉय करते हैं ना। मैं मुझे डीएक्सएम की एडिक्शन है। जिस दिन मैं डीएक्सएम बात ना करूँ मुझे कुछ होता है। मुझे बात करना लाजमी है डीएक्सएम। मेरे खानदान वालों ने तो डीएक्सएम बाबा का नाम रख दिया। उसकी वजह ये कि मुझे कहीं ना कहीं कोई भी जब बात करता है तो मुझे लगता है ये कमी है इसके अंदर, इसको फना हमारा प्रोडक्ट पूरा कर सकता है। इसके अंदर ये कमी, इसको फना प्रोडक्ट पूरा कर सकता है। तो बात वहाँ आ गई कि आपको जानकारी होनी चाहिए, हर प्रोडक्ट की डिटेल्स बताऊंगी तभी आप मजे से उसको, भाई नमक चाहिए तो नमक डालोगे, हल्दी तो नहीं डालोगे, पर नमक का पता तो होगा ये नमक है और कितना डालना है ये तो पता कर सकते हो ना। बस इतना चाहती हूँ कि इतनी नॉलेज आप ले लें कि ये प्रोडक्ट हमें ये काम करता है, क्यों करता है, कैसे करता है, उसमें जाने की जरूरत नहीं। आपको 50 साल लगेंगे मास्टर्स करने में, ठीक है, वो नहीं चाहिए। फिर नौकरी भी गई, घर भी गया, बच्चे भी गए, वो नहीं कर सकते। तो आज हम जिन तीन प्रोडक्ट्स को लेके आए हैं उनका भी वही मकसद है। पाँच चीज़ें नहीं कॉमन डिजाइन है, कोई भी ले सकता है, किसी भी मकदार में ले सकता है, कुव्वत मुदाफ़त पे काम करती है और रिपेयर करती है। बस ये पांच चीजें जान लें तो ये आप फॉर्मूला हर एक पे फिट कर सकते हैं। ठीक है, किसी ने एक बड़े मजे की बात बताऊं
एक मिसरा मुझे बताया, इस मिसरे को जब शेर बैलबाजी होती थी स्कूल कॉलेजों में तो कहते थे भाई जिसने पूरा शेर पढ़ा उसको जल्दी जीत जाएगा। तो हमने फिर एक फॉर्मूला निकाला कि एक मिसरा ऐसा बनाया जो हर शेर के साथ फिट हो जाए। आप कोई शेर का आधा बोले मैं उसका दूसरा मिसरा खुद ही कंप्लीट कर दूंगा उसी मिसरे से। मतलब है लोग वही जहां में अच्छे आपको पता है इसका दूसरा मिसरा मुझे नहीं पता फर्स्ट करो दूसरा मिसरा है कि हालांकि इससे फर्क तो पड़ता नहीं कोई किसी भी मिसरे के साथ आपके लगा लो हालांकि इससे फर्क तो पड़ता नहीं कोई वो फिट हो जाएगा वो शेर कंप्लीट और बाजी आपने जीत ली। तो हमारी रिएक्शन ये दूसरा मिसरा है जो हर एक के सेल्स के काम में फिट हो जाता है और इस तरह फिट होता है कि ना उसको खत की अहमियत ना उसको वजन की अहमियत ना उसको जेंडर की अहमियत ना उसको बीमारी की अहमियत ना उसे रिलीजन की अहमियत ना उसे बॉर्डर्स की अहमियत ना उसे जात पात की अहमियत ना उसे जेनेटिक्स की अहमियत। हर एक के लिए पानी और हवा और नमक की तरह जरूरत के जगह तैयार कर देता है। ठीक है तो आज हम तीनों प्रोडक्ट पर बात करेंगे। पहला प्रोडक्ट है क्यूमिन। क्यूमिन को आप उर्दू हिंदी में कहते हैं जीरा। ठीक है दो तरह का होता है सफेद जीरा होता है काला जीरा होता है। मेरे ख्याल में कोई खातून ऐसी नहीं होगी जिन्होंने दाल में तड़का ना लगाया हो। ठीक है कभी अम्मी से पूछा कि दाल में जीरा ही क्यों डालना जरूरी है नहीं पूछा बस खुशबू अच्छी लगती है डाल दिया। आज मैं बताऊंगी कि जीरे का फायदा क्या है। जीरे के बारे में बहुत सारी साइंटिफिक डेटा हमारे पास आ गया और इन्होंने कई बातें जो मजे मजे की बताई। एक तो ये कि वो जाहिर है स्पाइसेस में यूज होता है हमारा कोई खाना मुकम्मल नहीं होता लेकिन उसमें तीन बड़ी बड़ी खसूसियात है। एक एंटीऑक्सीडेंट है। जब हम बात करते हैं कि फ्री रेडिकल्स क्या है फ्री रेडिकल्स वो हमारे अंदर के वो केमिकल्स हैं जब हम कुछ खाते हैं या जब हमारे जिस्म में कोई काम हो रहा होता है जिस तरह फैक्ट्री में काम हो रहा होता है तो उसके बाय प्रोडक्ट्स निकलते हैं जो कि खतरनाक हो सकते हैं ना फ्यूम्स हैं कचरा है अब उसको सफाई करेंगे तो फैक्ट्री चलेगी वो जमा होगा कचरा तो फैक्ट्री बंद हो जाएगी उसकी मशीनें खराब हो जाएंगी। इसी तरह जब हमारे जिस्म के सेल्स की तवानाई है वृद्धियाँ हैं तो बाय प्रोडक्ट्स टॉक्सिन्स की शक्ल में हमारे खून में जमा होते हैं और उसके लिए खुदा ने हमारे पास निकासी का निज़ाम दिया हुआ है। क्या चीज पसीना यूरिन मोशन सलाइवा आंख का पानी कान का वैक्स यानी अल्लाह मियां का ये डिफेंस है जिनके जरिए हमारी अंदरूनी टॉक्सिन्स को अल्लाह हमारे जिस्म से निकाल देता है। अगर वो टॉक्सिन्स जमा हो तो उसके अंदर से जो ऐसे पॉइजन्स निकलते हैं उनमें से कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको हम फ्री रेडिकल्स कहते हैं। फ्री इसलिए कहते हैं दे आर फ्री टू डिस्टर्ब यू उनके अंदर ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कम होते हैं बुलेट्स कहते हैं हमारे मेडिकल लैंग्वेज में कि वो जिस सेल में भी जाएंगे उसको डैमेज करेंगे। उनको डैमेज करने से रोकना है तो इस एक सेल को डालना पड़ेगा एंटीऑक्सीडेंट उन्हीं को कहते हैं जो इस सेल को रिप्लेस करते हैं तो फिर ये नाकारा हो जाता है। तो फ्री नहीं रहता उसकी शादी हो गई जो फ्री है वो खतरनाक अच्छा याद रखना तो बी केयरफुल। तो एंटीऑक्सीडेंट्स जब मिल गए फ्री रेडिकल से तो वो फ्री नहीं रहा इट बिकम गुड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल उससे उल्टा आपको जिंदगी मिल जाती। तो क्यूमिन या जीरा उन प्रोडक्ट्स में से जो हमारे सारे प्रोडक्ट्स एंटीऑक्सीडेंट्स हैं वो भी यही काम करता है अपने तरीके से करता है कि वो डिटॉक्स करता है हमारी बॉडी के सेल्स की कसाफतों को जो खराब चीजें हैं खराब बातें हैं कभी हम खुद बना रहे हैं कभी हमें बाहर से मिल रहे हैं यानी हवा पानी गजा हमारी गलत आदतें हमारी गलत खाने उनसे ये अंदर हमारे जमा हो रहे हैं उनको करता है। दूसरी बात ये कि सेल हेल्थ जो हमारे सेल्स जो कि मिलके टिश्यू और टिश्यू मिलके ऑर्गन ऑर्गन मिलके इंसान बनता है उनके रूट लेवल पर जाके ये काम करता है और उसी वजह से कि जब ये नहीं होगा तो डेफिनेटली एक हेल्दी सेल डेवलप होगा और जब हेल्दी सेल डेवलप होगा तो एक एजिंग प्रोसेस से लेके और रिपेयरिंग प्रोसेस तक आपका बेहतरी जाएगा। तो क्या मतलब हुआ कि जीरा जो है आपको यंग रख सकता है आसान अल्फाज में जीरा जो है आपके खून को साफ रख सकता है। और देखा यह गया कि जो लोग खाली पेट जीरा इस्तेमाल करते हैं उनके मेदे की तजावियत नहीं होती बिल्कुल इसी तरह क्योंकि ये एंटी
एसिडिक कंटेंट रखता है, एल्कलाइन है, और बॉडी को जब एल्कलाइन करना होता है, उसकी तेजाबियत को खत्म करना होता है, तो हमें उन गजाओं की जरूरत पड़ती है जो कि एसिडिक ना हो। अब कहां से आप सब्जी वाले के पास जाके बोलेंगे भैया मुझे एल्कलाइन फूड दे दो, वो शक्कर देखेगा कहेगा फार्मेसी वाले के पास चले जाए, उसको नहीं समझ में आएगी। क्यों? आपको खुद नहीं पता पीएच क्या चीज होती है, आपको खुद नहीं पता, उससे पूछने जा रहे हैं। तो सीधी सीधी बात है, हरी सब्जियां, कुदरती नबातात और कुदरती चीजों से ही हम एसिडिटी से लड़ सकते हैं। और एसिडिटी सिर्फ मैदे की तेजाबियत को नहीं कहते, खून में भी जब एसिडिक कंटेंट बढ़ जाता है तो कैंसर तक डेवलप हो सकता है। लो पीएच इज अ रेड लाइट फॉर डिजीजेस, तो वो कम करता है, जीरे की ये खासियत है। तो जहां आपकी सेल्स की सेहत है, डिटॉक्सिफिकेशन है और एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी है, वहां पे एंटी एजिंग प्रोसेस को भी प्रमोट करता है। अच्छा, इसके साथ इसके अंदर जैसा मैंने कहा कि कैंसर से लड़ने की सलाहियत है, रिसर्च ने ये भी साबित कर दिया कि जहां जहां सेल्स के साथ जीरे की कसाफतों को रखा गया, वहां वहां उन्होंने इस कैंसर सेल से लड़ने की कोशिश की। डॉक्टर्स हैव येट टू प्रूव इट इन ह्यूमन बीइंग, लेकिन जो लोग खा रहे हैं ये वो जानते हैं इस बात को कि जब अगर उनके अंदर कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है और जीरे का वो मिकदार बढ़ा देते हैं तो वो अच्छा फील करते हैं। और क्यों फील करते हैं हमको खुद नहीं पता, लेकिन अब हमें पता चल रहा है कि ये इसलिए फील करते हैं। ठीक है, तो एक तो ये बात हो गई, तो पांच प्रॉपर्टीज आपको पता चल गई, तेजाबियत खत्म करेगा, एंटी ऑक्सीडेंट है, सेल हेल्थ करेगा, कैंसर के खिलाफ काम करेगा और एंटी एजिंग। बहुत काफ़ी है एक चीज़ के बारे में, इतनी इतनी भी आप याद रखें तो बहुत है। और हमारा सबसे बड़ा दुश्मन आज का हर दूसरा बनता है डायबिटिक, हर तीसरा बनता है ब्लड प्रेशर, ये दोनों साथ साथ ही चलते हैं, कजन है, एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। जो शुगर है जिसको कभी ना कभी डायबिटीज हो ही जाएगी, वो ब्लड प्रेशर हो जाएगा। तो जब देखा गया इसके काम को, तो उन्होंने देखा कि जो जहाँ शुगर लेवल बढ़ा हो और अगर आप जीरे के प्रोडक्ट्स को वहाँ डालें तो शुगर लेवल कम हो जाता। उसके हाइपोग्लाइसेमिक प्रॉपर्टीज को देखते हुए उन्होंने खून में शुगर लेवल्स को जब चेक किया तो नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट हमें जीरे के इस्तेमाल से मिलता है। कब मिलेगा, कितना खाने में मिलेगा ये नहीं पता, लेकिन जो लोग रेगुलर इस्तेमाल करते हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप को डायबिटीज से बचा गए। ठीक है, तो एक फायदा तो ये हो गया। अब आइए सूजन वाला, सारी बीमारियों की इब्तदा सूजन से होती है, ज्यादातर ऐसी जहां दर्द की कैफियत हो, जहां दर्द की कैफियत होती है वो स्टार्ट ही अल्लाह ने जो हमारे पास येलो लाइट रखी है ना, खतरे से पहले येलो लाइट होगी, ग्रीन तो ग्रीन है, रेड लाइट से पहले की जो कैफियत है, बीमारी से पहले की जो कैफियत है उसको मैं येलो लाइट कहती हूँ। वो येलो लाइट आपको बता रही है कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, मैं सुस्त महसूस कर रहा हूँ, या मैं मेरे जिस्म में तबाही महसूस नहीं हो रही, या मुझे खारिश होती है, या मैं जहाँ से का हाथ मेरा लगता है वह सूज जाता है, या मैं कुछ खाता हूँ तो पेट ठीक नहीं रहता, कुछ ना कुछ तो मेरे जिस्म में सही नहीं। तो जहाँ पे भी सोजिश यानी सेल्स का सूजना, वो किसी भी वजह से हो, चाहे वो चोट लगने से हो, अब आप कभी जरा से अपनी उंगली लगा के देखिए, पहले एक वाइट लाइन बनेगी, उसके बाद वो सुर्ख हो जाएगी, फिर वहां वो एक सूजन सी आ जाएगी। ये कुदरत का निजाम है ये बताने के लिए कि हमारे पुलिस वाले जो है वो काम कर रहे हैं। लाइन बनी इसका मतलब वहां से सर्कुलेशन कम हुआ, पेल हो गया, रेड सेल वहां से हट गए, रेड सेल ने सिग्नल भेजा वाइट सेल्स को, वाइट सेल्स ने सिग्नल पकड़ा, हेड ऑफिस न्यूज गई, वहां से उन्होंने पुलिस वालों को भेजा कि जाओ जी यहाँ पे किसी लंग रखे। जब व्हाइट सेल्स वहां पर आए, जब ज्यादा सेल्स हो गए तो वो जगह फिर रेड हो गई। जब उन्होंने उस चीज को मारने की कोशिश की कि कौन तंग कर रहा है मुझे, लड़ाई की, तो फिर वहां सूजन शुरू हो गई। तो कहते ये हैं कि इन्फ्लेमेशन इज साइन ऑफ लाइफ, जहां सोजिश है वो जिंदा लोगों में ही सोजिश होगी, मुर्दे को तो सोजिश नहीं हो सकती। जहां पे खून की रवानी है वहां सोजिश होगी, और वही आपको बताएगी कि हाँ भाई अब उठो कुछ करना है। तो जहां इन्फ्लेमेशन है उसका सेकंड स्टेप है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन एंड इन्फ्लेमेशन मिलते जुलते लफ्ज हैं, लेकिन मेडिकली दोनों फर्क है। इन्फ्लेमेशन कम्प्लीटली रिवर्सिबल होता है, वापस नॉर्मल हो सकता है। अब देखिए मैंने स्क्रैच डाला था, खत्म हो गया,
इंफ्लेमेशन हुई खत्म हो गई, लेकिन अगर ये इंफ्लेमेशन परसिस्ट कर जाए तो वो डिजीज में कन्वर्ट हो जाती है, तो सूजन जो है ज्यादा देर रह जाए तो तकलीफ, दर्द, बेचैनी, खारिश, आपका वो हिस्से का काम जिस जगह ये कुछ हो रहा है वो सब मुतासर हो जाएगा। तो जो चीजें प्रोलॉन्ग्ड इंफ्लेमेशन को बचाती हैं उनको हम अपनी मेडिकल लैंग्वेज में एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट्स कहते हैं। अल्लाह ताला ने एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट्स आपको गिजाओं में दे दिए, उनमें से आपकी एक एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट जहाँ और बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं वहाँ क्यूमिन भी है, यानी जीरा भी वो एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट रखता है, और चूंकि वो एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट रखता है इसलिए इन्फेक्शन से बचाता है, क्योंकि इंफ्लेमेशन कन्वर्ट्स इनटू इन्फेक्शन, और इन्फेक्शन उस वक्त होता है जब इन्फ्लेमेशन के ऊपर बैक्टीरिया और वायरस आके बढ़ जाए उसको बड़ा करने के लिए और उनको ख़त्म करने के लिए क्यूमिन काम करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका वो एक प्रिवेंशन भी हो गया और रिपेयर भी हो गया। प्रिवेंशन इस तरह के उसने फ्री रेडिकल को मारा, और रिपेयर इस तरह के उसने सेप्सिस को मारा, सेप्टिक कंडीशंस को लड़ाई की, तो इस तरह डेवलपमेंट ऑफ डिजीज को बचा दिया। अब आइए एक और दुश्मन, ब्लड प्रेशर और हार्ट। ब्लड प्रेशर चुपचाप साइलेंट किलर, शुगर और ब्लड प्रेशर आज दुनिया के माने में वो कातिल हैं जो सोते में इंसान को मार देते हैं। ऐसे लोग जो सोते में जिनका ब्लड प्रेशर का पीक आया, आंखें नहीं खुली, कितने लोगों को आप जानते हैं, हमारी रोशन आरा के उनकी सोते में डेथ हुई, सुबह उठाने की थी नहीं, किस वक्त उनकी दिमाग की रग पटी नहीं पता चला। तो ब्लड प्रेशर को हल्के में ना लीजिए, और ब्लड प्रेशर की सबसे बड़ी वजह कोलेस्ट्रॉल का डिपॉजिट होना। कोलेस्ट्रॉल क्या चीज़ है, वो फातिर वो ज्यादती चिकनाई की, चिकनाई की जरूरत है जिंदगी की, ये मत भूलिएगा कि कोलेस्ट्रॉल इज कहते हैं माइटी फैट फॉर लाइफ, लेकिन हद में, जो चीज़ हद से बढ़ जाए वो फिर खतरनाक हो जाती है। तो जब वो ज्यादा हो जाए तो फिर उन रगों की दीवारों में जमा होना शुरू करती है जिसको अल्लाह ने एक्सपेंसाइल बनाया था, जिसको प्रेशर को रिलीज करने, कम करने, ज्यादा करने के लिए अल्लाह ने बनाया था। अब अगर मुझे अभी छक्का खबर मिल जाए कि अक्सर ने छक्का मार दिया, मेरा तो ब्लड प्रेशर आंखों से निकल आएगा, लेकिन मुझे ब्लड प्रेशर की दवा की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरी ब्लड वेसल्स ने इतनी रिलैक्स है कि वो डायलेट करके उस ब्लड प्रेशर को कम कर देंगी। तो वेयर एंड टेयर को जब बॉडी खुद रिपेयर कर ले तब आप प्रिवेंशन की बात करते हैं। तो अगर कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिटेड ब्लड वेसल्स में ये इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है तो क्या होता है, जब ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो रगें टूट जाती है, चाहे वो दिल की हो या दिमाग की हो या कान की हो या नाक की, खून बहना शुरू होता है या बहता है और गलत जगह पे जमा होकर इंसान को मुहताज कर देता है। तो ब्लड प्रेशर की वजह कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल का ना बढ़ने से रोकने के लिए हमारी गजाएं, उनमें लाइफस्टाइल के चेंजेस बहुत ज्यादा जरूरी है, एक्सरसाइज, लहसुन का इस्तेमाल जरूरी है, इसी तरह जीरा भी हमारी इस चीज को कि जो रगों में जमा होती है उसकी नैरोइंग होती है उसको रोकता है। तो इसको आप एज एडजुवेंट थेरेपी फॉर कार्डियक पेशेंट्स, अगर आपके यहाँ कोई जानने वाला ऐसा इंसान है जो मेरी तरह दुबला है या किसी को हार्ट या ब्लड प्रेशर या शुगर है तो आप उनको बिना झिझक क्यूमिन दे सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि हर लेवल पर ये उनको हेल्प करेगी, डिटॉक्सिफिकेशन से लेके और ब्लड प्रेशर और हार्ट की डिजीज तक। अब आइए याददाश्त, आज का मसला यही है, छोटे छोटे बच्चे यही कहते हैं याद ही नहीं है, सुबह तो करना पड़ा तो सुबह को याद नहीं है, इसलिए कि मल्टी टास्किंग करते हैं, एक वक्त में 10 काम सोच रहे होते हैं कि ये करना है, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, कॉन्सेंट्रेशन नहीं। और दूसरी, हमारी गजाओं में वो चीज़ें नहीं हैं जिनमें नर्व की सस्टेनेबिलिटी हो, आसाब की ताकत हमारे बच्चों को पैदाइश से नहीं मिली। तो अगर कोई बूस्टिंग एजेंट आपको मिल जाता है आप दौड़ते हैं उसकी तरफ, अगर आपको कोई गुरु मिल जाता है सिखाने वाला तो कम वक्त में आपको ज़्यादा सिखाए, आप जाते हैं उसके पास नहीं जाते हो, कोर्स कौन करेगी भाई, खाली बैठे मुझे चार बातें सिखा देंगे, मुझे क्या जरूरत है स्कूल जाने की। बिल्कुल इसी तरह अगर आपके गजा में एक ऐसा कोई एजेंट हो जो आपके दिमाग के उन खलियों को तवानाई देता रहे जो याददाश्त को बर्दाश्त रखे और देर तक याददाश्त को रवा रखे, क्योंकि उम्र के साथ साथ ये चीज़ कम होती चली जाती है, इसीलिए एल्जाइमर्स
पार्किंसंस, ये सारे डिजीजेस उम्र की उस एक बुरी न्यूज बन जाती है कि लोग डरते हैं बुढ़ापे से, बुढ़ापे से डरने लगते हैं। तो ये ह्यूमन का ये काम भी है कि दिमाग की उन खलियों में जो एजिंग प्रोसेस की वजह से सुस्त हो रहे हैं वो उसको एक्टिव कर देती है। ठीक है, सो तो नहीं है, हेलो यस यस, दिमाग के रंग। अच्छा जनाब, अब आइए, समझ आ गया? यस यस। ह्यूमन याद हो गया? पूछू नहीं, क्यों नहीं पूछू? चलो मुझे दो बातें बता दो पीछे वाले साहब। अभी तक जो मैंने जीरे की खूबसूरती बयान की, अब घर जाके जीरा ना पाकना शुरू कर देना, खरीदना है। ठीक है, वो बोलेगा मुझे खरीदने की जरूरत क्या, मेरे घर में तो जीरा बहुत है। लेकिन जिस बाजार में जीरा आपको चाहिए उस बाजार में आप खाते नहीं हो, इसलिए आपको क्यूमन के अफसोस। अगर आपने दो भी ले लिए थे घर में, एक से भी अगर शुरू किया तो आपको इतनी मिकदार मिल जाएगी कि आपकी बॉडी डिटॉक्स हो जाएगी। ठीक है, जल्दी से बताओ तीन बड़े बड़े, आप बता पे क्या बताया मैंने, क्या करता है जीरा? क्या काम करता है जीरा? जीरा ने जो ब्लड का सर्कुलेट वो सही करता है। आपने और एक बोला जो बैठो, तुमने वो आखिर वाला पकड़ लिया जो फौरी फौरी था, इसकी आता है थोड़ी सी सही। और जी क्या करता है जीरा? जीरा ने हमारा बहुत काम करता है, हेल्थ से रखते हैं, खून की जो एक बता सर, बहुत नहीं मार एक बता पता बच्चों को नहीं, सब को सुननी रहती है। जी जी, जो हमारा कैंसर का, जीरा ने कैंसर का भी काम करता है। सही है, एंटी कैंसर, एंटी कैंसर और एंटी मुस्कुरा के देखा था बस। आप बोलो, क्या बताया था मैंने? तस्वीर में दिखा दी, वो तस्वीर याद रह जाती। एक प्रॉपर्टी के बारे में बता दो। एक प्रॉपर्टी जो बहुत अच्छी लगी मुझे ब्लड और ब्लड शुगर, वो पॉइंट है उन्होंने बताई। चलें आप बताइए दूसरी, पांच छह तो मैंने बताई थी और तीन चार दोनों बताई हैं। एंटी एजिंग, एंटी एजिंग देखो ये बुढ़ा नहीं हो रहा, चलते हैं इसको याद। और कुछ मैंने सूजन का कहा था, इम्प्लीमेंटेशन सूजन, कुछ मैंने शुगर का कहा था, सब भूल गए। अगर तुम्हें यही भूल जाएगा तो घर जाके क्या करोगे तुम लोग? चुप करो, आप तुम बता दिया। दूसरा बोले बोले आप बताएं, अब मैं आगे नहीं जाऊंगी जब तक मुझे ये सही नहीं बताओगे। बोलो, आपने सुना मैंने क्या कहा था? उर्दू समझ में आ रही थी, एक विषय उर्दू थोड़ी थोड़ी। शुगर को क्या करती है जीरा? क्यूमिन क्या करता है शुगर को? शुगर को क्या करता है जीरा? रेगुलेट हाइपोग्लाइसीमिया। ठीक है, अच्छा, सोजिश को क्या करता है जीरा? कम करता है। और कोलेस्ट्रॉल को क्या करता है? तीन तो ये हो गए। ठीक है, फ्री रेडिकल्स या एंटीऑक्सीडेंट की बात करते हैं, फिर वो एंटी एजिंग की बात आती है। पांच मोटी मोटी चीजें अगर आपको पता है तो आप 20-25 साल में तो सेटिस्फाई कर सकते हैं। सही है, क्योंकि ये सबको चाहिए। आपके घर में शुगर ब्लड प्रेशर के मरीज जरूर होंगे, अगर उनकी दवाओं के साथ आपने ह्यूमन शुरू कर दिया तो आप देखिए कि आपको दवा की जरूरत कम हो जाएगी, डॉक्टर खुद उनकी दवाएं कम करते हैं, आप ना छोड़ेंगे वो कम करते हैं। ठीक है, तो कहने का मकसद ये कि प्लीज थोड़ा सा बैठ कर डिस्कस करो, जो कुछ सुना करो उसको जाके आपस में बात भी किया करो, क्योंकि सिर्फ सुनना या देखना फिर दिमाग की फिर वो मेमोरी की बात आई है। भी आपकी मेमोरी का ये हाल है कि आप 5 मिनट में याद देंगे, सबको ह्यूमन खाना चाहिए और 3 दिन खाना चाहिए रोज। सही है, yes. तो अब मैं आगे चलूं, उसका भी यही हाल करोगे जब ह्यूमन कर गया? वो खैर थोड़ा इंटरेस्टिंग है, शायद तुम्हें याद रहे। अच्छा जी, अब जो हम बात कर रहे हैं पोटेंसी, जिसके बारे में आप लोग जानते हैं, ऑलरेडी प्रोडक्ट अवेलेबल है यहाँ पे। क्या चीज है पोटेंसी, किसी को पता है? एनीबडी थोड़ा सा बैकग्राउंड पता हो तो वहां से मैं चलूंगी। खालिद, पोटेंसी पी से शुरू होता है, कितनी कॉमन बात है ना, पोटेंसी पी से शुरू होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ कॉर्डिसेप्स एंड मशरूम। चलो एक अच्छी बात है कि जो दो प्रोडक्ट्स आपको पता है वो इसके अंदर मौजूद है, यानी जिनको आप ये दो प्रोडक्ट्स देना चाहें उनको अकेला पोटेंसी दे सकते हैं, उनके फायदे आपको सब पता है। पोटेंसी असल में 9 हर्ब्स से उन्होंने मिलकर बनाया है, उनकी अलग अलग फायदे है वो मैं आपको बता रही हूँ। पोटेंसी के अंदर मुझे भी नाम याद नहीं होते, टेढ़े मेढ़े नाम है इसके,
एक टोंकिट एरी बुलिया सुपरबा गैनोडर्मा ल्यूसिडम कॉर्डिसेप्स साइनेंसिस ब्लैक पेपर. अच्छा पांच चीजें आप इसमें जानते हैं. ब्लैक पेपर आप जानते हैं, ग्रीन टी सेलरी आप जानते हैं, ग्रीन टी आप जानते हैं, गैनोडर्मा जानते हैं, कॉर्डिसेप्स जानते हैं. ये तो आपको पता है ऑलरेडी. ये पोटेंसी में शामिल है, इनकी सबकी हिफाजत आपको पोटेंसी में मिलेगी. अब इंडिविजुअली एक एक चीज के बारे में हम बात करते हैं कि इनमें से ये प्रोडक्ट ये क्यों हमें क्या फायदा है इसको इसमें डालने का. और याद रखिए कि डॉक्टर लिम ने वो चीजें डाली हैं जिनके वो पांच चीजें उनमें हो. रेजिस्टेंस इम्प्रूव करे, सर्कुलेशन इम्प्रूव करे, एंटी एजिंग हो और गिजा. ये वो प्रोडक्ट है जो कि किसी जमाने में मलेरिया के लिए, शुगर के लिए, बुखार कम करने के लिए मेडिकल जर्नल्स में इनके शवाहद मिलते हैं, एविडेंस मिलती है कि इस प्रोडक्ट को लोगों ने दवाएं बनाई इससे. लेकिन इसके साथ साथ एक बहुत प्यारी चीज थी, वो ये थी कि बोन्स में जो भरभरापन होता है उम्र के साथ, आपने देखा होगा बुजुर्ग चलते हैं, गिर जाते हैं, टूट जाती है हड्डी, पैर मुड़ा हड्डी टूट गई. इसलिए नहीं कि वो जोर की चोट थी, इसलिए कि हड्डी में जान नहीं थी. जो स्ट्रेंथ होती है बोन मैट्रिक्स की वो नहीं. अब चाहे आप उसे कैल्शियम की कमी कह लो, जिंक मैग्नीशियम की कह लो, हार्मोनल चेंज कह लो, जो भी है वही कंडीशन है, उसको हम कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस. खवातीन में 40 साल के बाद ये बहुत कॉमन है, ठीक है, भुरभुरापन, और इसीलिए बॉडी में चेंजेस आते हैं. तो एक तो ये हो गया कि वो हड्डियों को मजबूती उस तरफ से दे रहा है, शुगर को कंट्रोल कर रहा है, मलेरिया अगर हो जाता है तो उसके खिलाफ काम कर रहा है, और ऑस्टियोपोरोसिस के साथ साथ टेस्टोस्टेरोन एक ऐसा हार्मोन है जो दोनों में होता है, मर्द में भी होता है और औरत में भी होता है. मर्द में अगर कम हो जाए तो उसकी मर्दानगी में फर्क पड़ जाता है, उसकी तौलीदी निज़ाम में फर्क पड़ जाता है, उसकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ मुतासर होती है. और सिर्फ बच्चे पैदा ही करना ही मर्द का काम नहीं है, उसकी जो ताकत है जिसको अल्लाह ने औरत से मजबूत बनाया है, कहने को है नहीं वो इतना मजबूत, लेकिन जो बज़ाहिर बॉडी डिवेलपमेंट या स्टेमिना जो मर्द के अंदर है ना, वो टेस्टोस्टेरोन की वजह से. इसीलिए आप देखते हैं कि बॉडी बिल्डिंग में लोग अक्सर टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शन लगवाते हैं, या वो ड्रिंक्स पीते हैं जिसके अंदर ये हार्मोन मौजूद है, या वो लोग जिनको बच्चे चाहिए या उनको कोई कमजोरी है तो वो टेस्टोस्टेरोन का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं. इसके बखिलाफ अगर औरत में ये बढ़ जाए, औरत में ये हार्मोन टेस्टोस्टेरोन कन्वर्ट हो जाता है ईस्ट्रोजन. पेरेंट वही रहता है टेस्टोस्टेरोन, लेकिन वो दूसरे हार्मोन में कन्वर्ट हो जाते हैं जिसको हम ईस्ट्रोजन कहते हैं. अगर ना कन्वर्ट हो पाए तो बहुत सारी औरतों में मर्दों जैसी खसूसियतें हमें मिलती हैं. आजकल हम देख रहे हैं बॉडी में हेयर का ज्यादा होना, या सर के बालों का उस शेप से राइज होना जो मर्दाना स्टाइल है, या बॉडी कंटूर जो है वो उनके मर्दाना होते हैं, ये तमाम चीजें, या पैदाइश का मुश्किल होना या माँ ना बनना, ये भी टेस्टोस्टेरोन की ज्यादती की वजह से हार्मोनल चेंज में आ जाता है. तो जहां पर इफेक्ट ऑन टेस्टोस्टेरोन थेरेपी, किस तरह स्टेबल रखना, बैलेंस रखना, उसको जितनी मिकदार में आपके खून में होना चाहिए उसको बैलेंस रखना, ये काम इस प्रोडक्ट का जिसको हम टोंकिट एली, ये मोहम्मद अली के लिए नहीं है, ये उससे ज्यादा ताकतवर चीज है, ठीक है. इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी जो लेटेस्ट रिसर्च थी वो कैंसर के सेल्स को मारना, खुद मारना, यानी उनको खुदकुशी पे मजबूर करना, किस तरह उनकी गजाइत पे हमला करना. कुमक, अगर आप किसी फौज को हराना चाहते हैं तो आप उनके रिसोर्सेज तबाह कर देते हैं ना, या तो उनकी कुमक नहीं पहुंचेगी, गजा नहीं पहुंचेगी, या किसी तरह से उनको मुतासर कर दें कि वो लड़ने के काबिल ना है. तो कैंसर सेल्स को लड़ने से कमजोर करने के लिए इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं. तो आपको पता है हमारे सारे प्रोडक्ट्स में यही सेल्फ डिफेंस था, तो इस प्रोडक्ट को उन्होंने पोटेंसी में शामिल कर दिया, इसका ये फायदा हो गया. अब आइए दूसरा इसका जो कंपोनेंट था वो ब्यूटिया सुपरबा, सुपर्ब विच इज सुपर, ब्यूटिया इसका नाम है कि इसका जो ट्यूबरस, जिस तरह हमारी अदरक होती है आपने देखा उसकी शेप, उस तरह का ये होता है, और थाईलैंड से इसको लिया गया. और इसमें जो सबसे अच्छी बात थी वो ये थी कि इसके अंदर बी सेटोसिट्रॉल या वो स्टीरॉइड का रेमिनेंट्स जो नुकसान करते हैं
उनसे हटकर उनकी पॉजिटिव एक्टिविटी वाली चीजें थी। देखिए जब हम स्टीरॉयड देते तो लोग डरते हैं ना, ये तो आखिरी चीज दे दी है, उसके बाद कोई चीज काम नहीं करेगी। इसमें वो वाली चीजें थी जो उस खतरनाक सिचुएशन से बचने के लिए उससे पहले वाली स्टेज की आपको एक सहूलत मुहैया थी। फिर इसके अंदर एक ऐसे फिलामेंट्स थे जो कि एंटी एजिंग है। अब हम तमाम एजेड वुमेन को वो एंटीऑक्सीडेंट्स देते हैं जिनके अंदर फ्लेवोनॉइड्स होते हैं, और इस प्रोडक्ट में ऑलरेडी फ्लेवोनॉइड्स शामिल हैं, तो वो एक कंबाइंड इफेक्ट हो गया एंटी एजिंग का। जैसे मैंने कहा कि हमारे सारे प्रोडक्ट्स एंटी एजिंग हैं, तो पोटेंसी में ब्यूटिया सुपरमा के नाम से भी ये कॉम्पोनेंट मौजूद है। अब गैनोडर्मा के बारे में आप सब जानते हैं, तो इस बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी। और इसका इफेक्ट इसीलिए कि इंडिविजुअल सेल्स के ऊपर है, बॉडीसेप्स का भी इफेक्ट मेल फर्टिलिटी पर, क्योंकि सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है। जब सर्कुलेशन इम्प्रूव होगा तो स्पर्म काउंट इम्प्रूव होगा, स्पर्म काउंट इम्प्रूव होगा तो फिर फर्टिलिटी बेहतर होगी। और तो और हार्ट, किडनी, ब्रेन, स्किन, आईज, ईयर्स, जहां जहां फाइन सर्कुलेशन है वहां बॉडीसेप्स काम करता है। किडनी जहाँ सूजन है किडनी की, वहाँ कॉर्डिसेप्स काम करता है। और इसीलिए लोग किडनी के पेशेंट्स को कॉर्डिसेप्स ज़्यादा मिकदार में देते हैं, क्योंकि वो रिपेयर करता है किडनी के साथ। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें। और जाहिर है एक कॉमन बात तो ये है कि सब एंटी कैंसर्स भी हैं। अब आइए काली मिर्च, ब्लैक पेपर, सब जानते हैं कि लोग इसको कोई चीज़ फंस जाए नाक में बच्चों के तो आप उसको जला के सुंघाते थे कि ज़रा फौरन बॉडी निकल आए। सुना होगा आपने, छींकने के लिए इस्तेमाल करते थे क्योंकि ये इरिटेंट है। इसका जो फ्यूम्स है ना वो नाक की झिल्लियों के लिए खुजली पैदा करता है, तो वो इरिटेंट होने की वजह से ये उन सेल्स को मार सकता है जो जिस्म को नुकसान पहुंचाते हैं, चाहे वो रेस्पिरेटरी सेल्स हो, चाहे वो हमारे लंग्स के से हटके कोई सेल्स हो। इसके प्रोडक्ट के बारे में मैंने फिर भी यहाँ बताया कि इसके अंदर विटामिन B12, सेलेनियम, केराटिन जो गाजर के अंदर है, इसी तरह इसके अंदर वो इफेक्ट जो लिपिड थ्रोम्बोजेनेसिस यानी वो जो खून जमने की सलाहियत जिनकी ज्यादा हो जाती है, जो क्लॉट रगों में फंस जाते हैं जिससे हार्ट अटैक होता है, तो ब्लैक पेपर इस्तेमाल करने वाले को हार्ट अटैक कम होता है, इसलिए कि ये खून को बदला रहता है। तो इसलिए लोग, आपने जब अभी देखा होगा कि जब ये कोविड हुआ तो कैसे हम लोगों ने अदरक और बना के काढ़ा, हम लोग जिसको कहते हो टूटे नहीं, लॉन्ग टूटे नहीं और काली मिर्च टूटे नहीं, उसको बॉइल करके उसके एक्सट्रैक्ट लिए, जब वो टूट जाएगा तो वो इरिटेंट हो जाएगा, तो उसका जो जूस निकलना है वो उसकी टोटालिटी में, तो उस टोटालिटी से जब दवाएं बनेंगी तो उन्होंने देखा कि जहां जहां पे स्किन से लेके विटामिन को जो आपके धब्बे पड़ जाते हैं, सफेद सफेद निशान पड़ जाते हैं, उसके लिए भी ब्लैक पेपर बहुत मुफीद है। तो जब ब्लैक पेपर आपके पास पोटेंसी में है, अगर आप किसी ऐसे बंदे से मिलते हैं जिसको जो लगा रहे हैं ऑयल भी लगा रहे हैं, गैनोडर्मा भी खा रहे हैं, उसका अगर पोटेंसी देंगे तो ब्लैक पेपर की वजह से उसके धब्बे कम हो सकते हैं। वैसे आप काली मिर्च कहीं नहीं लगा सकते, लगाओगे तो बंदा आपको दूसरे जहन्नम में भी जाके भी आपको निकाल देगा। लेकिन बहरहाल इसके जो पेपरमिंट के साथ इसकी वो थी ना, ये जो पेपरमिंट की जो लोग बनाते थे दवाएं और स्टीम देते थे गले के लिए, उसके लिए वो ब्लैक पेपर की कॉम्बिनेशन वहाँ बहुत काम करता है, और वो ऑलरेडी पोटेंसी में मौजूद है ना, नई बात पता है क्या। फिर इसी तरह सेलरी वो सब्जी है, उर्दू में क्या कहते हैं, लेकिन ये पुदीने जैसा होता है, हरा धनिया जैसा होता है, हरे धनिया जैसा होता है, इसके पत्ते थोड़े मुख्तलिफ होते हैं। इसके भी चूंकि ये ग्रीन वेजिटेबल में आता है, इसके अंदर भी ब्यूटाइल फर्टिलाइट और वेट लूजिंग प्रॉपर्टीज है, इसीलिए डाइट थेरेपी में आप देखते हैं डॉक्टर्स कहते हैं सेलरी सलाद में सेलरी डालो, और इसके साथ साथ इसके अंदर विटामिन सी की बहुत ज्यादा मात्रा है। तो पोटेंसी में जब फर्टिलिटी की बात आती है ना तो वहां ये सब चीजें चाहिए होती है, तो इसीलिए उसको पोटेंसी में डाला गया, क्योंकि वहां विटामिन सी, सेलेनियम, जिंक, B12, बीटा कैरोटीन चाहिए स्पर्म की मोटिलिटी के लिए, एग की सेहत के लिए। इसलिए पोटेंसी मेल और फीमेल सब फर्टिलिटी में अच्छा रोल प्ले करता है। सोने की नहीं हो रही, और मैं पूछूंगी जो पता है कुछ याद नहीं होने वाला। एक और लफ्ज है लिलांग, लिलांग ये भी चाइनीज मेडिसिन है, इसका काम बुखार के लिए था
और जो रतुबतें जिस्म से निकलती थी उसके लिए लोग इस्तेमाल करते थे, खांसी ज्यादा हो या रेशा ज्यादा बने या तेजाबियत या उल्टी ज्यादा हो रही है तो उसके लिए इस्तेमाल करते थे, और वहां पे जहाँ पे एक्सेसिव यूरिनेशन जो डायबिटीज में जिस तरह होती है उसके लिए लोग इस्तेमाल करते थे, हार्ट फेलियर में इस्तेमाल करते थे, लिवर के लिए, और सबसे बढ़कर यह है कि ये जो सीलिंग और ब्लड वेसल जो टूट जाती है जहाँ से खून घिसता है वहां उनकी हेल्प करता है। सो एक तरह का एक रिपेरेटिव प्रोसेस जो है वो आपको लिनाइक से मिलता है और लिनाइक आपके पोटेंसी में है। तो आप देखिए कि इसका इतना बड़ा होराइजन है कि आप इसको किसी को भी दे सकते हैं, मिडिल एज से लेके ओल्ड एज तक, यंगस्टर से लेके और नॉन जेंडर स्पेसिफिक। ये नहीं है कि सिर्फ, पहले हम लोग समझते थे कि सिर्फ मर्दों को देना चाहिए, नहीं, ये हर कल के हर जिस्म को इस्तेमाल में लाने से इसके फायदे मिलेंगे। ठीक है, अच्छा, मेरे लिए भी बड़ी न्यूज थी जब मैंने ये शुरू किया आज से कुछ साल भर पहले, जब पोटेंसी पता चला तो मैंने इसके ऊपर जब रिसर्च की तो फिर मैंने इसके इंग्रीडियंट्स की वजह से इसको देना शुरू किया। इतनी ज्यादा रेजिस्टेंस आई, लोगों ने कहा कि हम तो ये भी ले रहे हैं, हम तो सैलरी ले रहे हैं, हमें जरूरत क्या है। लेकिन आप जो चार पत्ते इस्तेमाल करते हैं उनके अंदर वो मकदार नहीं है जो कशीद करके उन्होंने कैप्सूल में दे दी। यानी अगर आपको पुदीने की पूरी गड्डी का एक्स्ट्रैक्ट एक कैप्सूल में मिल जाए तो पुदीने की गड्डी खाने की जरूरत नहीं ना, खा ही नहीं सकते। तो इसी तरह लिलैंग के लिए भी ये फायदेमंद चीजें थी जो मैंने आपको बताई। अब दूसरी इसके अंदर जो चीज थी वो है क्रायोसिकैन। क्रायोसिकैन भी एक ऐसा, ये वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट था जिसने इसको सेक्सुअल फंक्शन की इम्प्रूवमेंट की तरफ पोटेंसी को डाल दिया और लोगों ने सिर्फ उसको वहीं पे फोकस कर लिया। यानी सेक्सुअल एक्ट से लेके सेक्सुअल डिजायर तक, स्पर्म और एग की क्वालिटी से लेके फर्टिलिटी तक देखा ये गया कि ब्लड फ्लो, थकन, कोलेस्ट्रॉल, बॉडी की गर्मी, सर्दी और मिल्क प्रोडक्शन, माँ के लिए, माँ के दूध की कमी के लिए इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो दिस इज वन सब, यू नो, इट्स अ गुड न्यूज कि हम इसको लैक्टेटिंग मदर्स में दे सकते हैं बगैर किसी खौफ के। ठीक है, अच्छा जी, अब आइए इसके आखिरी चीज, और वो है ग्रीन टी। ग्रीन टी के बारे में सब जानते हैं मेरे ख्याल, हर बंदा आजकल ग्रीन टी ज्यादा पीता है क्योंकि उनको चिकनाई को कम करना है, वजन को कम करना है, एंटीऑक्सीडेंट है। लेकिन इसके बारे में एक और अच्छी बात थी कि ये क्लॉट्स बचाती है, हार्ट अटैक से बचाती है, साथ साथ कैंसर के खिलाफ काम करती है, और इससे पढ़कर इसका जो मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करने का है ना वो वेट रिडक्शन करता है। तो ये तमाम वो कैफियतें थी जिनकी वजह से पोटेंसी पोटेंट हो गई और फिर पेटेंट हो गई। इसलिए पेटेंट वो होती है कि जिसके ऊपर ऑलरेडी स्टडी हो चुकी है और दुनिया ने उसको मान लिया, पोटेंट ये हो गई कि उसके अंदर हिफाजियत मौजूद है, और पोटेंसी का नाम खुद इस बात को साबित कर रहा है कि इसके अंदर जो चीजें हैं वो कितनी हिफाजत रखती है। ठीक है, काफी है, आगे चलो, एंड्रोजी पढ़ाऊ या कल पढ़ाऊ? एंड्रोजी बहुत छोटा सा है, मुझे थोड़ी नींद ना आ रही हो तो मैं दो मिनट में खत्म करूँ, मुझे भी मैच देखना है। इंशाल्लाह, कुछ पता नहीं है, श्रीलंका भी अच्छा खेल रहा है, आखिर में उन्होंने छक्के चौके मारने शुरू कर दिए। अच्छा जनाब, पोटेंसी का काम किस तरीके से होता है वो भी सेल्स के जैसा मैंने बताया कि सेल हेल्थ के ऊपर जाके काम करता है, ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन करता है, सेल को टूटने से बचाता है, ये तमाम उसके फंक्शन के तरीके थे कि उसको दौराने खून का बढ़ाने से लेके और ताकत देने तक, ये हमारा पोटेंसी के फवायद थे। अच्छा, अगर आप एंड्रोजी पे अगर बात करें तो बेसिकली एंड्रोजी का काम ये है कि वो सिक्रीशंस को, जो चेस्ट के सिक्रीशंस हैं, नाक के सिक्रीशंस हैं या एलर्जीज हैं उनके ऊपर काम करता है। बहुत छोटा सा इंफॉर्मेशन है इसका भी, इतना डिटेल मुझे नहीं मिली, लेकिन बहुत आसान सी बात है कि जब कभी भी बलकनी तबीयत हो या कभी आपको ऐसा लगे कि एनर्जी ख़त्म नहीं हो रही या आपको लगे कि किसी किसी जगह आप काम करते हैं जहाँ धुआं ज़्यादा है तो आप एंड्रोजी का रेगुलर इस्तेमाल रखें। कम से कम बाहर की जो लड़ने वाली कैफियत है ना आपकी सांस की नालियों में, बार बार आप हर वक्त तो लगा के नहीं फिरोगे ना, तो वो चीज़ अगर एंड्रोजी आपने रोजाना ले लिया तो नाक के खलियों से लेकर फेफड़ों तक आपकी सेल्स को, म्यूकस मेम्ब्रेन्स को सेहत देता है।
बस इतना याद रखिए वरना तो फिर आप सो जाएंगे थोड़ी देर में मुझे लगता है। लेकिन ये कि ये तीन चीजें पोटेंसी एनर्जी और क्यूमिन ये तीन चीजें अगर आपने समझ ली तो सेहत तो छोड़िए बिजनेस भी बहुत अच्छा है। क्योंकि जीरे के बारे में किसी को कोई इनकार नहीं करेगा, ग्रीन टी के बारे में कोई इनकार नहीं करेगा, और पोटेंसी हर एक को चाहिए। पोटेंसी पोटेंसी नहीं पोटेंसी पोटेंसी का मतलब फर्टिलिटी। हर एक को चाहिए, हर एक को अपने घर में अच्छे रखते हैं बच्चे, ठीक है। अगर बच्चे हो के ख़त्म हो रहे हैं या हो नहीं पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमजोरी है। बीमारियां अपनी जगह है, कमजोरियों पे काम कीजिए, उनको रफा कीजिए तो फिर बीमारी भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। अगर आपके लिवर और किडनी भी होता है, और ये तीनों चीज़ें क्यूमन पोटेंसी और एंड्रोजी लिवर फंक्शन को इम्प्रूव करती है। तो खासतौर पर किसी को अगर हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस सी है, एच आई वी है, उनको अगर आपके प्रोडक्ट्स देते हैं तो आप उनको जल्दी रिपेयर करवा सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग।